नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मिलेंगे डॉक्टर शैलजा सबनीस से। मैडम रूमेटोलॉजिस्ट है नानावटी हॉस्पिटल, होली स्पिरिट हॉस्पिटल बॉम्बे में, और उनका प्राइवेट क्लिनिक भी है। आज मैडम से जानते हैं कि SLE में, पर्टिकुलरली इस पैंडेमिक में, कोरोना के पैंडेमिक में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और ल्यूपस से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस पैंडेमिक में, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो मैडम। हेलो, हेलो डॉक्टर शशांक एंड हेलो डियर फ्रेंड्स, और नमस्ते। हम लोग सब डरे हुए हैं कोरोना या कोविड ये शब्द से, पर मुझे लगता है कि आप सारे दोस्त मेरे लूपस पेशेंट्स, बिल्कुल डरिए मत। ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म जरूरी है रखना। सबसे पहले तो देखते हैं कि मैडम, क्या ल्यूपस पेशेंट्स कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा ससेप्टिबल है आम लोगों के हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि इतना ससेप्टिबल है। सिर्फ कोई कोई पेशेंट्स जो लूपस के होते हैं, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है या अपने आप खुद से हाई डोज स्टीरोइड्स लेते हैं, उन्होंने अपने रूमेटोलॉजिस्ट को जाके मिलना टाइम पे जरूरी है। अगर मिल नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट टेलीमेडिसिन की अपॉइंटमेंट लेके उनका जो भी मिनिमम स्टीरोइड रिक्वायरमेंट डोजेज है उस पे रखना जरूरी है। और अगर वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी लेते हैं तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, क्योंकि हमने अब तक जो भी स्पेन या इटालियन स्टडीज देखे हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा है कि जिनमें लूपस पेशेंट्स को ज्यादा तकलीफ हुई है या ज्यादा कोविड रिलेटेड डिसीजेस हुए हैं। इनफैक्ट ये पेशेंट्स को कोविड रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अभी तक नोटिफाइड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मैडम आपने कि स्पेसिफिकली ल्यूपस है करके डर के कुछ नहीं होगा, आपके रूमेटोलॉजिस्ट को आपको जरूर कांटेक्ट करना है। लेकिन अगर समझो कोई पेशेंट है, उनके मन में तो ये बात जरूर आएगी कि ल्यूपस पेशेंट्स है तो बहुत सारी मेडिसिंस होगी जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिंस है, इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, तो उनको ये डर हमेशा रहता है मन में कि ये मेडिसिन से कहीं कोरोना होने का चांस ज्यादा तो नहीं है, तो क्या ये उनको मेडिसिन बंद करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? मैडम आप क्या बोलेंगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने डॉक्टर शशांक। बहुत लोग डर से ही अपनी गोलियां कम ज्यादा प्रमाण में करने लगते हैं। पहली चीज तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट से टेली कंसल्टेशन महीने में एक बार एटलीस्ट जरूरी करना है, उनको पूछ के ही आपके डोजेजेस लेने हैं। आपको लगता है कि आपको जॉइंट्स में दुख रहा है इसलिए स्टीरॉयड डोज बढ़ा दिया, या अपने आप से आपकी इम्यूनो सप्रेशन गोलियां बंद कर दी, बिल्कुल नहीं, मत कीजिए कोई भी चेंजेस। सिर्फ अगर आपका बायोलॉजिकल इंजेक्शन है जो रितुक्सिमैब है, अगर हो सके तो उनको पूछ के वो थोड़ा एक हाथ दो महीना आगे रखिएगा। पर आपका अगर ड्रग्स जो चालू है जैसे माइकोफिनोले या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या अजाथायोप्रिन या साइक्लोस्पोरिन, वो डोजेज में प्लीज प्रमाणित प्रमाण से ही लीजिए। मतलब जो डोजेज आपको दिया गया है आपके डॉक्टर ने, वही डोज पे रखिए, क्योंकि और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है अगर आप अपने आप ही गोलियां बंद कर सकते हैं। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर कोई भी प्रकार से फीवर हुआ या कोई भी प्रॉब्लम्स हुई तो आप पहले आपके रूमेटोलॉजिस्ट को फोन पे बात कीजिए। मोस्ट पीपल आइदर व्हाट्सएप पे या मोबाइल कंसल्टेशन जरूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि अभी सपोज मैं होली स्पिरिट जा रही हूँ या नानावटी जा रही हूँ, वहाँ ओपीडी स्पेशलिटी ओपीडी सारे बंद है, सिर्फ फीवर ओपीडी चालू है, तो आपको लगता है अरे ये तो डॉक्टर अभी अवेलेबल ही नहीं है तो गोलियां ही बंद करते हैं, या मेडिकल शॉप वाले आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे क्योंकि 3 महीने या 4 महीने पहले की प्रिस्क्रिप्शन है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आपके डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहिए। अगर आपकी रूमेटोलॉजिस्ट आपको नहीं मिली तो जरूर आपके घर के पास और भी कोई मिल सकते हैं, या प्रैक्टो या कोई भी नए टेली ऐप से आप आपके दूसरे रूमेटोलॉजिस्ट को अपॉइंटमेंट लीजिए। उनको साफ बोलिए कि हम फिलहाल आपके साथ कॉन्टेक्ट में है क्योंकि हम पहले दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे थे, पर क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है इसीलिए ये डोजेज पे आप ले रहे हैं।
मोस्ट प्लेसेस पे आप आपके रिपोर्ट्स अगर व्हाट्सएप पे पहले से भेज दे तो वो डॉक्टर भी तैयार रहता है आपको टेली कंसल्टेशन के लिए. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. बहुत केमिस्ट लोग भी आपको डराते हैं कि ये ड्रग अभी अवेलेबल ही नहीं है या ये ड्रग मिल नहीं रहा है. तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास ये भी सुविधा होती है कि जैसे हमारे कंपनीज है, इप्का हो या आरपीजी लाइफ साइंस हो, जाइडस हो, या बहुत सारी जो ड्रग्स है जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं, उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपको देखते हैं कि आपको आपके घर के पास दवाई मिल जाए. तो प्लीज आपकी दवाई खुद से चेंज मत कीजिए. पर ये मैं जरूर बोलूंगी कि खुद से स्टीरॉयड डोज बढ़ा मत दीजिए, क्योंकि बढ़ाने से और तकलीफ बढ़ सकती है. इवन आप ये मत डरिए कि अरे हॉस्पिटल में जाके मैं मेरा ब्लड टेस्ट कैसे करूं. अगर आपके डॉक्टर ने आपको किडनी फंक्शन या ब्लड काउंट करने को बोला है तो घर पे भी आके लैब टेक्नीशियंस आके आपका ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं और आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं. सो कोविड करके डर के घर में कॉर्नर में बैठने से कुछ नहीं होगा. आपको स्मार्टली बिहेव करना है और इसको फाइट करना है. और हम लोग सब डॉक्टर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हमसे आपको मदद ही करें. अगेन दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात कही मैडम ने जो समझने की बहुत जरूरी है. सिर्फ कोविड है करके डरना नहीं है, खुद से गोली कम ज्यादा या बंद नहीं करनी है. आइदर डॉक्टर जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट है उनके क्लिनिक से कांटेक्ट कीजिए या जहां पे उनका हॉस्पिटल ओपीडी है वहां कांटेक्ट कीजिए. अगर रूटीन ओपीडी नहीं चालू है तो उनको पूछिए कि फिर डॉक्टर को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई एम श्योर क्लिनिक या हॉस्पिटल ऑल्टरनेटिव अभी टेलीमेडिसिन वगैरह चालू हो गया है, मेजोरिटी रूमेटोलॉजिस्ट टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये नहीं पॉसिबल है ऐसा सोच के घर नहीं बैठना है आपको. आपको डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट करना है और उनके गाइडेंस में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए. जैसा मैडम ने बोला कुछ मेडिसिन वगैरह अवेलेबिलिटी के अभी लॉकडाउन में इश्यूज है. एक पर्टिकुलरली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो आपको HCQS, ZyQ, हाइड्रोक्विन इन नाम से मिलती है, तो इसका थोड़ा अवेलेबिलिटी का इशू हुआ है. तो डॉक्टर सबनीस क्या चीज से ये सब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है एग्जैक्टली इशू? सी पहले हम लोग ने जब ये कोविड का नाम सुना था तो बहुत लोगों ने बोला था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले लीजिए आप लोग सब, तो उससे कोविड नहीं होता. अभी ये सच है झूठ है, इसके ट्रायल्स अभी भी चालू है. अब तक हमें पता नहीं है कि कितना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इफेक्टिव है इन प्रिवेंशन ऑफ कोविड, मतलब कोविड नहीं होता है उस गोली लेने से या कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं. इसलिए हजारों या लाखों लोगों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेना शुरू किया. बहुत लोगों ने तो खुद से भी चालू कर लिया. जो लूपस पेशेंट नहीं है, जो संधिवात पेशेंट नहीं है, उन्होंने लेना शुरू किया. तो सपोज एक पकड़ लीजिए, महीने के 1 लाख स्ट्रिप्स खरीदे जाते हैं एक ही एरिया से, तो वो 10 दिन क्या 4 दिन में ही वो 1 लाख स्ट्रिप्स खत्म हो गए. तो स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक नहीं है. बहुत लोगों ने ये सुना कि अमेरिका के ट्रम्प प्रेसिडेंट ने HCQS और ZyQ लाखों करोड़ों के ले लिए, तो लोगों को लगा नहीं मिल रहा है. पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको एक ब्रांड नहीं तो दूसरी ब्रांड जरूर मिल रही है. ड्रग कंटेंट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है. और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपने रूमेटोलॉजिस्ट को कॉन्टेक्ट किया तो जरूर वो अरेंज करके भी देंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ब्रांड आपको नहीं मिलेगा. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे हिसाब से जो 10-20 साल में मैंने उनकी हेल्प नहीं ली है वो गए 2 महीने में मैंने ली है. और उन्होंने हर पेशेंट को देखा गया है कि उनके महीने का स्टॉक उनके पास पहले से आ गया है. तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पर प्लीज ओपन योर माउथ. मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि डर से मत रहिए, आपको सब मिल सकता है. और मोस्ट प्लेसेस, मतलब फॉरगेट मेट्रो सिटीज, बॉम्बे, बैंगलोर, मद्रास, इवन सब जगह, स्मॉल स्मॉल जगह पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिल रहा है. और ऐसे भी नहीं, अगर HCQS नहीं मिला तो जैसे डॉक्टर अकेरकर सर ने बोला, ZyQ मिलेगा, QDMart मिलेगा, कोई ना कोई ब्रांड तो जरूर मिलेगा बाजू के केमिस्ट के दुकान में. तो प्लीज पूछिए, प्लीज बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेलीमेडिसिन पे कांटेक्ट कीजिए. तो
ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं मिलेगा, आपको जरूर आपके रूमेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, तो वो गाइड आपको इस अवेलेबिलिटी के इश्यू के बारे में डेफिनेटली कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि खुद से दूसरे घर वालों को मत दीजिए, मतलब बहुत लोगों ने ये भी किया कि अरे HCQS आप ले रही है ना तो मुझे भी दे देना, क्योंकि मैंने सुना है HCQS लेने से बहुत बार कोरोना नहीं होता है, तो बहुत पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने भी खुद से HCQS लिया जिनको मालूम भी नहीं था कि डोजेज क्या था, मतलब किसी ने 200 mg रोज लिया, किसी ने 400 mg रोज लिया, तो साइड इफेक्ट्स होने लगे और फिर डॉक्टर को कांटेक्ट किया कि डॉक्टर साहब मैंने तो मेरे हस्बैंड को भी दे दिया और अभी लूज मोशंस हो रहे हैं या अभी चेस्ट पेन हो रहा है। सो ऐसे प्लीज मत कीजिए, अनलेस एंड अनटिल आपको बोला गया है कि आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेना है तो ही लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। थैंक यू। आता ब्रेक करून मी परत ह्याचं चालू करू, प्रेग्नन्सी म्हणजे हे इथं कट होईल आणि पुढचं प्रेग्नन्सीचं वेगळं होईल। तर ते इंट्रोडक्शन तिकडचं जिथे ट्रान्सफर करायला सांगतो, फक्त हे पुढचं मी बोलणं चालू करतो। परफेक्ट होते, परफेक्ट होते, इनफॅक्ट काहीच नाही सगळं आणि स्मूथ झालं, काही तुम्हाला वाटलं तसं हिंदीचा पण काही इश्यू नाही झाला, इनफॅक्ट कुठंच नाही थांबला तुम्ही, चालू आहे काहीच मध्ये। तो दोस्तों आज जानते हैं हम लोग ल्यूपस और प्रेगनेंसी के बारे में, कुछ जो रूटीन बेसिक क्वेश्चन है आपके वो हम लोग डॉक्टर शैलजा सतनीश से पूछेंगे। मैडम क्या ल्यूपस प्रेगनेंसी रूटीन प्रेगनेंसी जैसी है, क्या ये थोड़ी स्पेशल है रूटीन प्रेगनेंसी से, और क्या रूमेटोलॉजिस्ट को एडवांस में बोलना चाहिए प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में, या उनसे बात किए बिना भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं ल्यूपस के पेशेंट्स? अभी ये बहुत जरूरी बात है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट को तो 100% बोलिए, पर आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट भी के पास जाके मिलके आइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और अलग टाइप की स्पेशल प्रेगनेंसी है। स्पेशल इसलिए कि हमें 2-3 चीज याद रखनी चाहिए जब भी हम प्लान कर रहे हैं। एक तो ये प्लान्ड प्रेगनेंसी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि रह गया प्रेगनेंसी, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी दवाइयां दे रहे होते हैं जो प्रेगनेंसी रखने को हम लोग अलाउ नहीं करते। सो आपके रूमेटोलॉजिस्ट को जाके पूछिए पहले कि डॉक्टर कैन आई प्लान अ प्रेगनेंसी जस्ट नाउ, मेरा डिसीज या लूपस कैसा है अभी, मतलब मेरा लूपस डिसीज कंट्रोल्ड है कि नहीं है, मैं प्रेगनेंसी रख सकती हूँ कि नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपको मालूम नहीं है या अब तक आपने रूमेटोलॉजिस्ट को पूछे नहीं है, इसलिए उन्होंने डराया नहीं है आपको। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार ऐसी कुछ दवाइयां चेंज करके आपको देंगे, मतलब 3 या 4 महीने पहले से ही आपको कोई कोई दवाइयां, जैसे हम लोग अभी सपोज आपको दे रहे हैं माइकोफिनोलिन या टैक्रोलिमस, तो वो चेंज करके दूसरे ड्रग्स होते हैं जो सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में, जो पहले से डॉक्टर आपको चेंज करके देंगे। सो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि चेंज इन मेडिकेशंस बिफोर आई प्लान माय प्रेगनेंसी, ये बहुत जरूरी होता है। और तीसरी चीज ये होता है कि मेरे अभी के ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं, मतलब बेसलाइन ब्लड रिपोर्ट्स बिफोर माय प्लानिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी, मैं सूटेबल हूँ क्या प्रेगनेंट मदर होने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, या मेरा किडनी फंक्शन अच्छा नहीं होता है, या मेरा लंग फंक्शन ठीक नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं तो पहले पहले, मतलब एक 30-40 साल पहले हम लोग तो बोलते थे कि प्रेगनेंसी मत रखना, आपको लूपस है। इनफैक्ट गायनेकोलॉजिस्ट बहुत डराते थे कि आपको लूपस है तो आप रख ही नहीं सकते, और वो पेशेंट्स मेरे पास जब ये आ जाते थे तो मैं बोलती थी क्यों नहीं रख सकते, आपका तो डिसीज बहुत कंट्रोल्ड है, आप जरूर रख सकते हैं, सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आप 9 महीने मुंह ही नहीं दिखाएंगे और अपने आप रह गया प्रेगनेंसी, वैसा प्लीज मत कीजिए, क्योंकि तभी फिर रिपीटेड अबॉर्शंस हो सकते हैं माँ को या माँ के जान को खतरा होता है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप आपके डॉक्टर्स के साथ प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इवन जब भी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं,
आपको शायद लगेगा कि क्या प्रॉब्लमेटिक प्रेगनेंसी है, मुझे डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता है और मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, तो ये थोड़ी महंगी प्रेगनेंसी रह सकती है। पर हाँ, आपको अगर एक या दो प्रेगनेंसी रखनी है, मैं तो बोलूंगी एक भी अच्छा नॉर्मल किड हो जाए तो मेरे लिए बहुत होता है। मतलब मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका जो बच्चा हेल्दी चाइल्ड आपको अगर मैं दे सकूँ तो मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट या मेरी फी आपकी वही है। सो ये सबसे स्माइल जो होता है एक माँ का, वो सबसे बहुत बड़ा दिन होता है इवन फॉर योर रूमेटोलॉजिस्ट। सो आप ये जरूर रखिए याद में कि एक बच्चा भी सही हुआ और आप भी ठीक और बच्चा भी तंदुरुस्त, तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही है। जरूर मैडम, डेफिनेटली। आपने बात की कुछ रेकरेंट एबॉर्शंस के बारे में, तो क्या रेकरेंट एबॉर्शंस एसएलई में होते हैं और क्यों होते हैं एग्जैक्टली? हाँ, एसएलई का फुल फॉर्म सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस है। उसमें बहुत बार हम लोग बेसिक टेस्ट करते हैं जैसे एएनए, डीएस, डीएनए या एएनए प्रोफाइल, पर हम लोग जो कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जैसे एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज या एंटी रो एंटी ला या प्रोटीन सी प्रोटीन एस, ये कुछ रिपोर्ट्स ये लूपस पेशेंट में पॉजिटिव आ सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स जो पॉजिटिव आते हैं उससे कभी कभी बच्चों को, मतलब जो माँ से जो बच्चे को खून जाता है वहां पे कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है जहाँ क्लॉटिंग का रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा आइदर वो बड़ा होता ही नहीं है, मतलब गर्भ में ग्रो ही नहीं होता है, या बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा सडनली मर भी जाता है कोख में और 6 हफ्ते 8 हफ्ते प्रेग्नेंट है समझता है और उसी में समझ जाता है कि बच्चा अभी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, ये बहुत बार जांचे होती नहीं थी। अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप जाते हैं प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, हम लोग बहुत बार ये बेसलाइन ही प्रोफाइल्स करते हैं जिसको हम लोग थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल करते हैं, और फिर ही आपको बोलते हैं कि अभी आप प्रेगनेंसी रखो या नहीं रखो। और अगर रखना है तो एस्प्रिन या एचसीक्यूएस जैसी गोली पहले से चालू रखते हैं और वो कंटिन्यू करने को बोलते हैं। इतना ही नहीं, अगर कुछ रिपोर्ट्स इनमें से पॉजिटिव आपके रूमेटोलॉजिस्ट को मिली तो कभी कभी आपको कुछ इंजेक्शंस भी स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शंस आपको शायद हर रोज एक बार लेना पड़ेगा, आप डरिएगा नहीं, पहले पहले बहुत मुश्किल लगता है पर उसी में आपका भलाई है क्योंकि बच्चे को खून मिलना बहुत जरूरी है अगर आप ये इंजेक्शंस लेते रहे तो। अगर ल्यूपस की पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन स्पेशली स्पेसिफिकली करने पड़ते हैं पेशेंट्स के लिए, क्या आप बोलेंगी क्या क्या उनको करना पड़ेगा? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसलाइन। इवन जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो बेसलाइन आपका ब्लड काउंट, आपका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका हार्ट का फंक्शन, क्योंकि उसमें हम लोग एक चीज देखते हैं जो नॉट ओनली द कार्डियक फंक्शन, हम लोग पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर देखते हैं। तो बहुत बार लूपस पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनका लंग का आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल चीज मिला तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर रुकिए। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल जिसमें लूपस एंटीकोएगुलेंट एंटी कार्डियोलिपिन एंटी फॉस्फोलिपिड ऐसे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो ये छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स माँ में शामिल अगर हुए तो उसके लिए स्पेशल कुछ दवाइयाँ पहले से लेनी पड़ती है। दूसरा, आपका किडनी फंक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर यूरिन या पेशाब में प्रोटीन्स जा रहे होंगे और कितने प्रमाण में जा रहे हैं तो वो पहले कंट्रोल करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर मदर का वो भी जरूरी है, पहले कितना है उसकी दवाइयाँ चालू होगी तो वो भी बदली करके दूसरी दवाइयां देते हैं जो सेफ होती है। सो बीपी कंट्रोल ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि हम लोग ने बीपी देखा ही नहीं था पेशेंट का प्रेगनेंसी शुरू होने के पहले, और सडनली फर्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है और माँ को लाइफ को धोखा हो सकता है। सो ये कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आपका एको, लंग फंक्शन, ये सब जरूरी होता है
प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के पहले भी और बहुत बार हर 3 महीने डॉक्टर कुछ ना कुछ आपको टेस्ट लिख के देंगे, तो डरिए नहीं, इससे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग के लिए नहीं बोला जाता, पर डिसीज कैसा कंट्रोल्ड है आपका रूमेटोलॉजिस्ट आपको बोलेगा, आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलेंगे। सो नॉट जस्ट कैल्शियम और आयरन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग देते ही हैं, पर बाकी भी कुछ दवाइयां लूपस की गोलियों के साथ आपको शायद लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल प्रेगनेंसी डरिए नहीं रखने के लिए, पर जरूरी है कि थोड़ी नॉट जस्ट स्ट्रेसफुल पर शायद थोड़ी महंगी या थोड़े ज्यादा फॉलोअप्स प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपको करने पड़ेंगे। मैडम, क्या ल्यूपस बच्चे के हार्ट के ऊपर कभी इफेक्ट कर सकता है? क्या बच्चे के हार्ट का भी टेस्ट कुछ करना पड़ता है लोगों को ल्यूपस है अगर तो? हाँ, इनफैक्ट कुछ एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे माँ में अगर एंटीरो एंटीला एंटीबॉडीज है तो बच्चे के हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसको हम कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक्स बोल सकते हैं, या इवन 16 से 18 हफ्ते, मतलब जब भी माँ के कोख में बच्चा होता है तो अगर वो 4 महीने की हो गई प्रेगनेंसी, तो तभी भी कभी कभी हम लोग जब भी बच्चे का हार्ट का डॉक्टर करते हैं, जो स्पेशल कहीं कहीं सुविधाओं में होती है, जैसे बड़े हॉस्पिटल में फीटल डॉपलर होता है हार्ट का कर सकते हैं, जिनमें ये आपको कार्डियक कंडीशंस, मतलब बच्चे के हार्ट के कार्डियक कंडीशंस पता चलते हैं। तो अगर आपको लगेगा आपके डॉक्टर ने कुछ बोला, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को और रूमेटोलॉजिस्ट को जाके मिलिए। तो स्पेशल सिचुएशंस होती है ये, शायद आपको डिलीवरी थोड़ी पहले करनी पड़ती है, प्लान सिजेरियन करना पड़ता है, और यूजुअली बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि ऐसे सेंटर्स में आप डिलीवर कीजिए जो थोड़े नियोनेटोलॉजिस्ट, मतलब बच्चे के डॉक्टर रहते हैं, और अगर बच्चे को ट्रांसफर करना पड़े नियोनेटल आईसीयूज में, तो ऐसे सेंटर्स में कीजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे के हार्ट में कुछ भी ये एरिथमियाज या कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक्स या बोलते हैं, तो बच्चे को पेसमेकर लगाना भी शायद जरूरी पड़ सकता है। बहुत कम बार ऐसा दिखाई देता है कि बच्चे के हार्ट के में होल है, ऐसे हम लोग ने बहुत कम पेशेंट्स देखे, पर मेनली ये जो एरिथमियाज होते हैं, मतलब जो नॉर्मली हम लोग का धड़कन जो बराबर टाइम इंटरवल पे जाता है वो वैसे नहीं होता है, थोड़े चेंजेस होते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर प्रेगनेंसी ऑफ लूपस के बच्चे को ये होगा, वो डिपेंडिंग होता है, ऐसा आप डरिए मत। एक इम्पोर्टेंट बात कही मैडम ने कि हर एक में प्रॉब्लम होना चाहिए, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक को प्रिकॉशन तो लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स कोई कॉम्प्लिकेशन आपके प्रेगनेंसी में ना हो। मैडम, एक क्वेश्चन जो हर एक पेशेंट के दिमाग में मन में रहता है कि मुझे ल्यूपस है तो क्या मेरे बच्चे को ल्यूपस होगा जस्ट बिकॉज मुझे ल्यूपस है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा नहीं लगता है, 20-30% ऑफ पेशेंट्स ऑफ लूपस कैन हैव, मतलब अगर मैं माँ हूँ लूपस हूँ मुझे, तो 20-30% चांस होता है कि मेरे बेबी को कंजेनाइटल लूपस होगा। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो पीडियाट्रिशियन होता है वो बच्चे को डिटेल में इवेल्युएट करना जरूरी होता है। कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे स्किन रैशेस बेबी में, या बच्चे का प्लेटलेट काउंट, या बच्चे का WBC काउंट, उनका हार्ट का रिदम, इससे पता चलता है कि बच्चे को लूपस है, जैसे डाउट है क्या। और यूजुअली ये लोग बच्चे का भी ANA या बाकी टेस्ट आपको डिसाइड करके बोलेंगे कि बच्चे को है क्या लूपस, पर बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है कि बच्चे को लूपस होगा ही अगर माँ को लूपस है। तो अगर मैं समराइज करूं आपके लिए सबके लिए, तो एक प्रेगनेंसी आप डेफिनेटली रख सकते हो ल्यूपस में, नहीं रखना चाहिए ऐसा आज के दिन में तो कोई रूल नहीं है, डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिटेल में बात करनी है। एक तो बात कि अभी इस जो भी आपकी कंडीशन है ल्यूपस की, उसमें प्रेगनेंसी करना फिजिबल है या रिस्की है। अगर फिजिबल है डेफिनेटली गो अहेड, आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कुछ टेस्ट ये देखने के लिए कि आपके लिए रिस्की तो नहीं है प्रेगनेंसी, वो कर लीजिए। कुछ गोली में चेंजेस होगी, क्योंकि सब गोली प्रेगनेंसी में नहीं चलती है, कुछ गोली बंद करनी पड़ती है, कुछ चेंज करनी पड़ती है,
तो वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको करके देंगे। ये सब होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को टीम में रखना है। ये एक टीम होता है, देखो प्रेगनेंसी जो है वो सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे नहीं, एक टीम प्रोसेस रहता है ताकि सब लोग एक एक में के साथ कम्युनिकेट करे, आपके साथ डिस्कस करे, सो दैट आपका जो फाइनल आउटकम है प्रेगनेंसी का वो अच्छा हो। हम लोग एक तो प्रेगनेंसी में आपका ल्यूपस कहीं कम ज्यादा नहीं हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, साथ में आपके बच्चे के ऊपर कुछ ल्यूपस का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है ना, इसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं। और अगर कुछ डाउट ऐसे आया कि बच्चे के ऊपर कुछ ल्यूपस का इफेक्ट हो रहा है, तो न्योनेटोलॉजिस्ट या फीटल या न्योनेटोलॉजिस्ट या बच्चे लोग के स्पेशलिस्ट कुछ डॉक्टर्स रहते हैं, उनको भी इस टीम में हम लोग शामिल करते हैं। बच्चे का 2D एको किया जाता है ताकि हमें मालूम पड़े कि हार्ट के ऊपर उसके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर आप ये सब करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क मिनिमम रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। धन्यवाद मैडम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।